नंबर 8 माँ कह एक कहानी। आगे के वीडियो में हमने आधी कविता समझी थी। हमने यहाँ तक देखा था कि राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए हैं और उनकी पत्नी यशोधरा से राहुल एक कहानी सुनाने का आग्रह करता है। तब यशोधरा उसके पिता यानी कि सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाती है कि एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे, अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। अब हमने यहाँ तक की काव्य देखी थी, आज हम आगे की काव्य देखते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। सिद्धार्थ है वह बाग में भ्रमण कर रहे थे, तब ऊपर से उन्होंने एक हंस को गिरता हुआ देखा और जो वह घायल था। चौंक यानी कि वह चकित हो गए। उन्होंने यानी कि सिद्धार्थ ने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, अचानक हंस ऊपर से गिरा और तेरे पिता ने चौंककर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो। पक्षी को ऐसा लगा कि जैसे उसे नया जन्म मिल गया। इतने में आंखें टक आया, आंखें टक यानी कि शिकारी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य यानी कि निशाना और मानी शब्द का अर्थ है अभिमानी। अब सिद्धार्थ ने उस हंस को उठा लिया, तभी वहाँ पे शिकारी आ जाता है। अब शिकारी को इस बात का गर्व होता है कि उसका निशाना सही लगा है और वह अभिमानी शिकारी वहाँ पे पहुँच गया। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी। राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, कि यह कहानी तो बड़ी ही कठोर है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। मांगा उसने आहत, आहत यानी कि घायल, वह शिकारी ने सिद्धार्थ से वह घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी यानी कि रक्षण करने वाले, किंतु तेरे तात यानी कि पिता, तेरे पिता पक्षियों का रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, खग भक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला, वह शिकारी था, वह पक्षियों का मांस खाने वाला था और वह हट करने की ठानी, वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। आगे राहुल कहता है कि हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ले सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। हुआ विवाद, विवाद यानी कि बहस, अब दोनों में बहस होने लगी सिद्धार्थ और शिकारी के बीच में। सदय निर्दय में, सदय यानी कि दया करके बचाने वाला और निर्दय यानी निर्दयतापूर्वक मारने वाला, एक सिद्धार्थ और दूसरा शिकारी, इस दोनों के बीच में बहस होने लगी। उभय आग्रही थे स्वविषय में, उभय यानी कि दोनों
आग्रही यानी कि अपने अपने विषय में, स्वविषय यानी कि अपने विषय में के सिद्धार्थ वह पक्षी को बचाने के पक्ष में विवाद यानी कि बहस कर रहे थे और शिकारी था तो वह कह रहा था कि यह मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया है, पक्षी मुझे दे दो। तो दोनों अपने अपने विषय में आग्रह कर रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, जब दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे तब वह बात न्यायालय में गई। न्यायालय यानी कि जहाँ न्याय मिलता है, आज के ज़माने में हम कोर्ट यानी कि न्यायालय। तब भी राजदरबार में ऐसे ही जब कोई मामला सामने आता था तब राजदरबार में ही राजा के सामने बात रखते थे और राजा न्याय करते थे। तब सिद्धार्थ राजकुमार और उस शिकारी दोनों अपने इस बात पर डटे हुए थे, तब राजदरबार में न्यायालय में इस बात पर न्याय लेने के लिए गए। सुनी सभी ने जानी, वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। अब राहुल कहता है सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने पूछा कि क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की, तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी, व्यापक यानी कि चारों तरफ। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब यशोधरा राहुल से कहती है कि तू निर्णय, निर्णय यानी कि फैसला, अब तू फैसला कर इसका कि न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय यानी कि निडर होके ये बता दे कि इस दोनों में से किसका जय होगा, मैं भी तो तेरी बात सुनूं। तब राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। कोई निरपराध, निरपराध यानी कि निर्दोष, बेगुनाह को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, यानी कि कोई बेगुनाह हो उसे कोई मारे तो अन्य यानी कि कोई दूसरा उबारना यानी कि बचाना, तो कोई उसकी रक्षा क्यों ना करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक रक्षा करने वाला पर भक्षक यानी कि खाने वाला, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दानी, दानी यानी कि दान देने वाला, कि न्याय जो है, न्याय वही है जो दया के पक्ष में हो, मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो। तब राहुल ने कहा न्याय दया का दानी, क्या दया न्याय का दान देती है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तूने सचमुच कहानी समझ ली है। अब यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा कि इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए, जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तब माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि तूने कहानी सुनी ही नहीं पर उस पर विचार भी किया, तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी कि पूरी कहानी जो राहुल ने उसकी माँ से जो सुनी उससे उसने भी यह सीखा और हमें भी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है,
और न्याय में यानी कि दया होनी चाहिए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में होना चाहिए और किसी के साथ भी अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे पक्षी जो मुक्त हवा में ऐसे उड़ते हैं उसे अपने स्वार्थ के लिए मारना नहीं चाहिए। तो ऐसी हमारी बहुत सी सुंदर सी ये काव्य का हमने पठन भी किया और शब्द भी उसके जो शब्द थे वो भी हमने समझे। पूरी काव्य की हमने समझूती पा ली है। स्वाध्याय कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।